नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया। आज बात करेंगे आपके हाथ के चिन्ह क्या कहते हैं आपके लिए हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हथेली में कई प्रकार के चक्र और तारे होते हैं और ऐसे कई निशान बने होते हैं। इनके कई मतलब होते हैं, ऐसे कई चिन्ह होते हैं जो क्या कहते हैं, बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से उन हाथ के चक्रों के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, इस दुनिया में, इस संसार में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका भाग्य ईश्वर जन्म के साथ ही निर्धारित कर देता है। कहते हैं कि हर इंसान अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, तो ईश्वर हर व्यक्ति के साथ में उसकी जन्म कुंडली स्वयं तैयार करके उसके हाथों में थमा देता है। और आपके हाथों में खींची जो ये आड़ी तिरछी जो रेखाएं हैं और इस हस्त पे जो विभिन्न चिन्ह हैं, वो परमात्मा के लेख हैं, जिसे विधि का लेख या भाग्य कहते हैं, लक। आपके हाथों में मौजूद जो साइंस है, चिन्ह है, आपके भाग्य के विषय में बहुत कुछ कहते हैं। द शोस, इस संसार रूपी सिनेमा के पर्दे पे, संसार रूपी ये जो सिनेमा है उसके पर्दे पर जो हमारी भूमिका है वो क्या रहेगी, क्या रहने वाली है, इसकी पूरी कहानी, पूरी पटकथा भगवान ने, विधाता ने हमारी इस हथेली पर लिखकर हमें अपना पात्र निभाने के लिए, उस सिनेमा का पात्र निभाने के लिए इस संसार में, इस धरती के ऊपर भेज दिया है। तो हमारा जी ये हथेली है, उस पर जो रेखाओं के साथ कुछ विशेष चिन्ह भी होते हैं जो काफी कुछ हमारे जीवन के विषय में बयान कर देते हैं। आप अपनी हथेलियों को यदि गौर से देखें तो आपको अपनी हथेलियों पर कई प्रकार के अलग अलग आकृतियां दिखाई देंगी। इन आकृतियों में तारा, स्टार, द्वीप, जाली, ट्राइंगल, त्रिकोण, क्रॉस, गुणा, वर्ग, कोई स्पॉट, धब्बा आपको नजर आएगा। इसके अलावा छतरी, छतरी के चिन्ह भी होते हैं, हाथी बना हुआ, ऐसे चिन्ह भी आप अपनी हथेली पर देख सकते हैं। इन चिन्हों में से कुछ जो चिन्ह होते हैं, कुछ जो साइंस होते हैं, वो बहुत शुभ माने जाते हैं, पॉजिटिव माने जाते हैं। वही कुछ जो साइन हैं वो अशुभ माने जाते हैं। कुछ चिन्ह जो हथेली में जिस स्थान पर ये चिन्ह होते हैं उसी के अनुरूप इन चिन्हों का फल हमें प्राप्त होता है। ये अलग अलग पर्वत बने हुए हैं। आइए आज से अगले कुछ एपिसोड में जानेंगे हस्तरेखा के इस रहस्यमय संसार के बारे में। अगले कुछ एपिसोड में मैं आपको हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं साइंस के बारे में, चिन्हों के बारे में। सबसे पहला जो चिन्ह है जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूं वो है स्टार, तारा। तारा कैसे बना हुआ होता है? तो हथेली में इस चिन्ह को अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपकी हथेली में स्टार बना हुआ है तो बहुत शुभ माना जाता है। और किसी भी रेखा के अंतिम सिरे पर, किसी भी रेखा के लास्ट पॉइंट पे अगर तारा होता है तो उस रेखा का जो प्रभाव है वो काफी बढ़ जाता है। और तारा हथेली के जिस पर्वत पर होता है उस पर्वत की जो शक्ति है वो काफी बढ़ जाती है। ये जो ऊपर के जो पौरू होते हैं आपके उंगलियों के जस्ट ठीक नीचे, इनको पर्वत कहा जाता है। तो उस पर्वत से संबंधित फल में उत्तम फल प्राप्त होते हैं। और तारा जिस पर्वत पर होता है उसके अनुसार मिलने वाले फल की बात करें तो अगर यह बृहस्पति पर हो, बृहस्पति पर कौन सा हुआ, अंगूठे के पास वाली जो फिंगर है यह बृहस्पति पर है। यदि यहां पर स्टार हो तो निश्चित तौर पर आप शक्तिशाली होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, मान सम्मान आपके जीवन में हमेशा बना रहता है। वहीं यदि तारा सूर्य पर्वत पर हो, सूर्य पर्वत कौन सा हुआ, सबसे छोटी उंगली के पास वाली जो रिंग फिंगर है अनामिका, उसके नीचे का जो पर्व है ये सूर्य पर्व कहलाता है। तो यदि सूर्य पर्व के ऊपर
स्टार बना हो तो निश्चित तौर पे सूर्य के समान तेजस्वी व्यक्तित्व होता है, धन होता है, अच्छे पद पे कलेक्टर जैसी पोस्ट होती है, प्रभावशाली होते हैं, मन में खुशी की अनुभूति होती है। वहीं यदि आपके हाथों में तारा स्टार यदि चंद्र पर्वत पर है, चंद्र पर्वत कौन सा हुआ, ये सबसे छोटी फिंगर के नीचे का जो ये हथेली का अंगूठे की दूसरी तरफ का जो हिस्सा है इसको चंद्र पर्वत कहते हैं, तो आप काफी लोकप्रिय होते हैं, यश प्राप्त करने वाले हो सकता है कि स्थिति में आप कलाकार हो सकते हैं, नेम एंड फेम पर्सन। वही मंगल पर्वत पर तारा हो, मंगल पर्वत चंद्र से ऊपर जो है वो मंगल पर्वत होता है, इस पर तारा होने से निश्चित तौर पे आपका जो भाग्य है, लक फैक्टर है, वो बहुत सपोर्टिव होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवसर आपके सामने आते रहते हैं, साइंस के सेक्टर में एक सक्सेस पर्सन बन सकते हैं, एक के बाद एक जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो देखिए आपके शुक्र पर्वत पर तारे का निशान है या नहीं। इफ यू लव समबडी तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके जीवन में प्यार है या नहीं है, तो ये शुक्र पर्वत जो है अंगूठे के नीचे का जो उभरा हुआ स्थान है शुक्र पर्वत, इस पे तारा है या नहीं। अगर इस स्थान पे तारे का निशान है तो लव में प्रेम में आप कामयाब रहेंगे। वहीं शनि पर्वत पर मिडिल फिंगर जो होती है, मध्यमा उंगली उसके नीचे का जो पर्वत होता है वो शनि पर्वत कहलाता है। शनि पर्वत पर तारे का निशान होना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में आप सक्सेस तो हासिल करेंगे लेकिन उसके लिए आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर्डल्स कठिनाइयों में से आपको पास होना पड़ेगा। जी पंडित जी, चलिए आगे के चिन्हों के बारे में भी जानना चाहेंगे हम आपसे। अगला जो चिन्ह है उसको हम कहते हैं द्वीप, इंग्लिश में कहते हैं आइसलैंड। एक छोटा सा द्वीप कैसे बना होता है, आइसलैंड। द्वीप चिन्ह जो है उसको हस्तरेखीय ज्योतिष में एक दुर्भाग्यशाली चिन्ह माना जाता है, इट्स नॉट ए पॉजिटिव। यह जिस पर्वत पर होता है उस पर विपरीत प्रभाव डालने लगता है। गुरु पर्वत पर यदि यह चिन्ह है अंगूठे के पास वाली फिंगर तर्जनी, वहां पर यदि चिन्ह है तो गुरु कमजोर हो जाता है, देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति डाउन हो जाता है, निश्चित तौर पर ऐसे में मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में अक्सर असफलता प्राप्त होती है। वहीं यदि द्वीप चिन्ह सूर्य पर्वत पर हो, सबसे छोटी से अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर होने से सूर्य का प्रभाव क्षीण हो जाता है, आपकी जो कलात्मक क्षमता है वो उभर नहीं पाती है। चंद्र पर्वत पर चिन्ह, चंद्र पर्वत कौन सा हुआ, सबसे छोटी से नीचे उभरा हुआ जो पार्ट है उसके पास वाला हिस्सा, वो होने से आपकी जो कल्पना शक्ति है, सोचने की, प्लानिंग करने की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है। वही मंगल पर्वत पर दीप चिन्ह होने से, मंगल पर्वत सबसे छोटी के नीचे मंगल पर्वत, और इधर गुरु के नीचे का जो हिस्सा है वो भी मंगल पर्वत कहलाता है, एक उच्च का एक नीच का। तो यदि मंगल पर्वत पर दीप चिन्ह है तो आपके अंदर साहस की कमी होती, हिम्मत की कमी होती, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वही बुध पर इस चिन्ह के होने से आपका जो मन है वह अस्थिर होता है, किसी भी काम को पूरा करने से पहले आपका मन जो है वो उचट जाता है, काम बीच में ही अधूरा छोड़कर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। वहीं जिनके शुक्र पर्वत पर दीप के निशान हो, ऐसे लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, सुंदरता के प्रति दीवानगी होती है। आपके शनि पर्वत पर यदि द्वीप बना हो मिडिल फिंगर के नीचे तो जीवन में शनि का प्रकोप रहेगा, काफी मेहनत के बाद भी आपका कोई भी काम जो है वो सफल नहीं हो पाएगा, एक काम बनेगा तो दूसरी परेशानी सिर पर आके खड़ी हो जाएगी। और वहीं यदि दीप चिन्ह अगर हृदय रेखा पर साफ और उभरी तरीके से नजर आ रहा हो तो निश्चित तौर पर ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, उनको हृदय रोग का सामना करना पड़ता है, हार्ट पेशेंट होते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है। वहीं यदि यह द्वीप का चिन्ह मस्तिष्क रेखा पर हो तो ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को मानसिक मेंटली टेंशंस का सामना करना पड़ता है और हमेशा सिर दर्द बना रहता है, हेडेक जो है ऐसे जातकों में हमेशा बना रहता है।
चलिए अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटते हैं वापस गुड लक टिप्स में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रॉस के बारे में। गुणा, हिंदी में गुणा, इंग्लिश में क्रॉस। हस्तरेखा शास्त्र में अध्ययन में क्रॉस को कई अर्थों में देखा जाता है, क्योंकि यह जो क्रॉस है, यह जो चिन्ह है, यह जो साइन है, कठिन, निराशा, दुर्घटना और जीवन में आने वाले बदलाव को दर्शाता है। क्रॉस मतलब क्रॉस। इस चिन्ह को यूं तो शुभ नहीं माना जाता है, इट्स नॉट पॉजिटिव साइन, परंतु कुछ सिचुएशंस में, परिस्थितियों में ये जो क्रॉस है ये प्रॉफिटेबल भी होता है, लाभदायक भी होता है। ये जो साइन है, क्रॉस का साइन जो है, जब बृहस्पति पर होता है, गुरु पर्वत पर होता है, अंगूठे के पास वाले फिंगर के नीचे, तब आपकी रुचि गुप्त और रहस्यमय विषयों के अंदर हो जाती, सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं। ऐसी स्थिति में आप दर्शन शास्त्र में, साइकोलॉजी में अभिरुचि लेने लगते हैं। इसी प्रकार जब यह निशान हथेली के मध्य में होता है, क्रॉस ठीक मध्य में हो, तो पूजा पाठ में, अध्यात्म में रुचि लेते हैं, अनसुलझे रहस्यों पे से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं, अर्थात पराविज्ञान की ओर आकर्षित रहते हैं। वहीं यदि क्रॉस का साइन सूर्य पर्वत पर हो, सबसे छोटी से अनामिका उंगली जो है उसके नीचे, तो आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का, समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आर्थिक जो दशा है, वो कमजोर रहती है। आपके अंदर की जो कला है, आपके जो गुण हैं, उसका विकास, उसका प्रदर्शन सही से नहीं हो पाता और न ही आपको प्रसिद्धि मिल पाती है। वहीं मंगल पर्वत पर बुध के नीचे अगर ये चिन्ह नजर आ रहा हो, बुध पर्वत जो है सबसे छोटी के नीचे, जो बुध पर्वत होता है उसके नीचे मंगल पर्वत, तो यदि मंगल पर्वत पर क्रॉस आ रहा हो, तो ऐसे में आपको गुप्त शत्रुओं से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको अपने शत्रुओं से काफी खतरा रहता है। इसी प्रकार मंगल पर्वत पर यह चिन्ह बृहस्पति के नीचे दिखाई दे, जो बृहस्पति अंगूठे के पास वाली फिंगर के नीचे बृहस्पति, उसके नीचे मंगल पर्वत, वहां पर यदि दिखाई दे तो यह कोई बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं है। आपको संघर्ष से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, यह चिन्ह यह इंडिकेट करता है। वहीं यदि क्रॉस का चिन्ह शनि पर्वत पर हो और भाग्य रेखा को छू रहा हो, लक लाइन को टच कर रहा हो, तो समझना कि दुर्घटना में, एक्सीडेंट अथवा किसी संघर्ष में आपको जान का खतरा हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आपको हो सकता है। शनि पर्वत के मध्य में यह चिन्ह हो, मिडिल फिंगर के नीचे यह चिन्ह हो, तो इस तरह की घटना होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं क्रॉस का साइन जीवन रेखा पर होना जीवन के लिए घातक माना जाता है। जीवन रेखा में जिस स्थान पर यह होता हो, ठीक उस स्थान पर, उस समय पर प्राण का संकट रहता है, मृत्यु का संकट रहता है। जीवन रेखा पर यह चिन्ह होने से आपके अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेशंस वाले हैं, उनसे आपके अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। वही शुक्र पर्वत पर क्रॉस अगर हो, तो यह निशान किसी के लिए भी अच्छा नहीं जाता है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध जो है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। पंडित जी, ये तो आपने क्रॉसेस के बारे में बताया कि किस जगह होना अच्छा होता है और किस जगह नहीं, पर कई बार त्रिकोण भी होते हैं हथेली में, उनका क्या मतलब होता है? जी आइए बात करते हैं। ट्राइंगल यानी त्रिकोण, सभी चिन्ह शुभ नहीं होते और न तो सभी चिन्ह जो है अशुभ प्रभाव डालने वाले होते हैं। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, जिस चिन्ह के बारे में बता रहा हूँ, वह चिन्ह हथेली में होना शुभता की निशानी है। ट्राइंगल यदि बना हुआ है तो निश्चित तौर पे बड़े ही शुभ परिणाम देता है। त्रिकोण को श्रेष्ठ चिन्ह कहा गया, पॉजिटिव साइन माना गया है। हस्तरेखी ज्योतिष के अनुसार अगर ये आपके हाथ में है, अगर ट्राइंगल आपके हथेली पर है, तो निश्चित तौर पर आप भले ही आसमान को न छू पाए,
परंतु इस जमीन पर, इस धरती पर तो मजे में जीवन गुजार सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस साइंस से, ट्राइंगल से बहुत सारी उपलब्धि तो नहीं मिलती, लेकिन यह बुरी स्थिति से बचाव भी करती है, सिक्योर करती है आपको। तो ट्राइंगल चिन्ह साफ और स्पष्ट होने से आपकी जो सोचने, समझने, डिसीजन की जो पावर है वो बहुत अच्छी रहती है, बुद्धि तेज रहती है। और यह चिन्ह जिस स्थान पर होता है, उस स्थान पर मौजूद जो ग्रह है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और उस स्टार की जो है वो अनुकूलता प्राप्त होने लगती है। यह साइन जब अलग अलग पर्वत पर होता है तब कैसा फल देता, आइए पहले वो जान लेते हैं। तो हस्त्र की ज्योतिष के अनुसार जब यह चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर हो, अंगूठे के पास वाली उंगली के नीचे हो, तो आप में प्रबंधन की, मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। किसी भी संस्था को सही तरीके से चलाने में सक्षम होते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, जन समुदाय को निर्देशित करने की योग्यता रखते हैं। वहीं यदि ट्रायंगल त्रिकोण का चिन्ह अनामिका उंगली रिंग फिंगर के नीचे हो, सूर्य पर्वत पर हो, तो आपका जो नेचर है थोड़ा सा गंभीर रहता है। कला के क्षेत्र में अपने प्रयास और लगन से आप धीरे धीरे सफलताएं हासिल करते हैं, प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं। वहीं आपकी हथेली में चंद्र पर्वत पर यह निशान हो, चंद्र पर्वत मंगल बुध, फिर मंगल, फिर चंद्र, तो ये चंद्र पर्वत पर यदि आपका ये निशान है तो आपकी कल्पना और आपकी जो सोच है वो निराधार नहीं होती है। आप जो भी सोचते हैं या कल्पना करते हैं उसका एक दृढ़ आधार होता है। वहीं ये जो ट्राइंगल जो साइन है, त्रिकोण जो साइन है, मंगल पर्वत पर हो, बुध से नीचे चंद्र से ऊपर, मंगल पर्वत पर होने से आप जो संघर्ष की जो सिचुएशन है उससे दूर रहते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो निश्चित तौर पर आप अपनी चतुराई से, दिमाग से, अकलमंदी से उन सिचुएशंस को, अपने संघर्ष को अपने फेवर में कर लेते हैं। कठिन घड़ी में भी आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखने में सक्षम होते हैं, संकट की स्थिति में सूझबूझ भरा निर्णय लेते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि यह चिन्ह जब बुध पर्वत पर हो, बुध पर्वत सबसे छोटी फिंगर जो है उसके नीचे का जो पर्वत है बुध पर्वत कहलाता है, तब आप व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर, व्यवसाय में, फाइनेंशियल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें सूझबूझ भरा निर्णय लेते हैं, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं वो उसको बेहतर बनाने में हमेशा कामयाब होते हैं। वहीं जो शुक्र है वो प्यार का, मोहब्बत का स्थान माना जाता है, तो शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे जो उभरा हुआ हथेली का सबसे बड़ा हिस्सा होता है शुक्र पर्वत, यदि इस पर्वत पर ट्राइंगल है तो प्रेम और प्रेमी दोनों के लिए ही बहुत शुभ माना जाता है। यह स्थान पर चिन्ह होने से अपने मन को काबू में रख पाने में आप सफल होते हैं, अर्थात आपका अपने मन पर नियंत्रण होता है, आप में सहनशीलता रहती है, जो प्यार में, लव में, अफेयर में कामयाबी के लिए आवश्यक कहा गया है। सहनशीलता बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। आप अपनी हथेली को गौर से देखिए, कहीं ये चिन्ह शनि पर्वत पर तो नहीं आ रहा है। शनि पर्वत मध्यमा उंगली के नीचे। दोस्तों, अगर शनि पर्वत पर ट्राइंगल है तो आपके विषय में यह कहा जा सकता है कि आपको गुप्त विद्याओं का एक आकर्षण बना रहेगा, तंत्र मंत्र यंत्र के पुजारी रहेंगे और लोगों को अपनी चमत्कारी विद्याओं से चकित करने की चाहत रखेंगे। इस तरह का ये जो ट्रायंगल के हैं वो प्रभाव है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हथेली के और जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में पंडित जी से। एक महत्वपूर्ण और चिन्ह है जो मैं बात कर रहा हूं, वो है चक्र। हस्त रेखी ज्योतिष में चक्र, भगवान विष्णु का कैसे चक्र हुआ था सर्किल, उस चक्र को शुभ नहीं माना जाता है। यह निशान जिस पर्वत पर हो उस पर्वत से संबंधित फलों की हानि करता है। अगर यह किसी पर्वत पर स्थित होकर किसी रेखा को छूता है तो जिस रेखा को यह छू रहा है उसके शुभ प्रभाव की हानि हो जाती है। सर्किल, गोला, यह भी कहा गया है कि अगर यह रेखा चंद्र पर्वत पर हो तो आपको जल क्षेत्र से, चंद्र पर्वत पर हो
तो जल क्षेत्र में नदी, समुद्र, तालाब, कुआ, बावड़ी, इनके अंदर आपको स्विमिंग नहीं करनी है, जानबूझ के कूदना नहीं, क्योंकि इनको जल में डूबकर मरने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर सर्किल बना हुआ है, चक्र बना हुआ है चंद्र पर्वत पर, अक्सर पढ़ते हैं कि आज ये डूब के मर गए। वहीं सूर्य पर्वत पर इस संबंध में अपवाद माना गया है, जो सूर्य पर्वत, जो रिंग फिंगर के नीचे का सूर्य, यहां पर यदि चक्र है तो उसे अशुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इस स्थान पर सूर्य ग्रह से मिलने वाले फल की वो वृद्धि करता है, नेम एंड फेम पर्सन बनाता है, सूर्य के समान तेजस्वी बनाता है। अगली जो साइन है वो है वर्गाकार रेखा, स्क्वायर। स्क्वायर अगर बना हो हथेली में, स्क्वायर जो है वो शुभ चिन्ह के रूप में माना जाता है, रक्षा कवच के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जो निशान है, ये जो साइन है, आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को सहने की ताकत देता है। कहते हैं कई बार भगवान परीक्षा तो ले रहा है पर ताकत भी दे उसको सहन कर सके, आपके अंदर की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप आने वाले किसी भी कठिनाई से, सिचुएशन से, प्रॉब्लम से लड़कर अपने आप को एक सामान्य स्थिति में ले आते हैं। तो हथेली में मौजूद अलग अलग पर्वत पर ये जो स्क्वायर है उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। जैसे अगर यह चिन्ह गुरु पर्वत पर हो, अंगूठे के पास वाली फिंगर के नीचे हो, तो ऐसे में ये पर्वत जो है, स्क्वायर जो है, ये आपको महत्वाकांक्षी बनाता है और आपके जो सपने हैं वो आसमान को छूने के वाले होते हैं। सूर्य पर्वत पर ये निशान होने से, सबसे छोटी से पास वाली, उसके वहां पर यदि ये स्क्वायर बना है तो निश्चित तौर पे लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। और वहीं यदि हथेली में चंद्र पर्वत पर अगर ये वर्ग का चिन्ह है तो आप बहुत अधिक कल्पनाशील होते हैं, ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में हमेशा खोए रहते हैं। मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत से ऊपर मंगल पर्वत, वहां पर यदि स्क्वायर बना है तो ये इशारा करता है कि आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, एनिमीज से हमेशा सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं बुध पर्वत पे, सबसे छोटी से के नीचे जो पर्वत है वो बुध पर्वत, वहां पर स्क्वायर होना मानसिक असंतुलन को दर्शाता है, मन चंचल रहता है, कभी भी एक विषय पर अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम रहती है। वहीं शुक्र पर्वत पर यह चिन्ह, शुक्र पर्वत पर यह चिन्ह आपको बताता है, जब आप आवेग या जोश में आकर कोई कदम उठा लेते हैं और संकट भी गिर जाते हैं। वहीं शनि पर्वत पर यह जो निशान है वो मिडिल फिंगर के नीचे, उसको शुभ नहीं माना जाता है, आपको जीवन में कई स्थानों पर आपको नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। दोस्तों पंडित जी जिन चिन्ह की बात कर रहे हैं, अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, पंडित जी को ध्यान से सुनिए, जानिए क्या मतलब होता है इनका। आगे का जो साइन है वो है जाल, जाल बना हुआ, ग्रिल। हथेली पर जाली नुमा निशान होना सामुद्रिक ज्योतिष की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। यह निशान हथेली पर जहां भी होता है उस स्थान से संबंधित जो फल है वो उनको नष्ट कर देता है। यह निशान जिस पर्वत पर होता है उस पर्वत की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। इस निशान के होने से आपको जीवन में कई समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके हाथ में भी जाल बना हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको कठिनाइयों पर विजय हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हस्त रेखा विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि यह निशान अपोलो पर्वत पर हो तो आपकी सफलता का स्वाद बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। हथेली के विभिन्न पर्वत पर इस निशान का क्या प्रभाव होता है, आइए उसको भी जान लेते हैं। अगर यह निशान गुरु पर्वत पर है तो आपको घमंडी बनाता है, बड़ा चढ़ाकर दिखाने वाला और अहमवादी बनाता है। सूर्य पर्वत पर हो तो आप झूठी प्रतिष्ठा के लिए दिखावा करते हैं और अज्ञानियों वाला काम कर जाते हैं। चंद्र पर्वत पर जाली नुमा निशान बताता है कि आप अंदर से व्याकुल हैं, अस्थिर हैं और बेचैन रहते हैं। अगर आप प्यार में दीवानगी की हद पार कर जाते हैं तो संभव है कि आपकी हथेली के शुक्र पर्वत पर जाली नुमा निशान मौजूद हो, क्योंकि इस स्थान पर जाली का होना यही बताता है। शनि पर्वत पर यह निशान आपको शारीरिक रूप से कमजोर करता है, अस्वस्थ करता है, साथ ही आपको यह दुखी रखता है।
चलिए आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ जाना होगा आज। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अगले एपिसोड में इस बारे में आपको मैं और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चाहते हैं हमसे कोई भी समस्या का समाधान तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।